पूरी दुनिया में चीन से नहीं बल्कि निजामुद्दीन मरकज से फैला है। इसको फैलाया गया, आईएसआई की मदद ली गई है इसमें। तालिबान और दुनिया भर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल है। वो सारे के सारे लोग निजामुद्दीन मरकज में ठहरे थे और उन्होंने यहां से पूरी दुनिया में सप्लाई किया है कोरोना वायरस। नमस्कार दोस्तों, जनोदय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अब हमारे पास में टेस्टिंग किट आ गई हैं, उनके रिजल्ट्स आने लग गए हैं जल्दी जल्दी से, तो ये संख्या हमें दिखाई भी दे रही है। ऐसा पहले शायद इसलिए नहीं हो पा रहा होगा कि हमारे पास में टेस्टिंग किट ही नहीं थी, तो हमें संख्या कैसे पता चलती। लेकिन एक कमाल की बात है कि देश में हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हमारे पास में कितनी टेस्टिंग किट हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में क्या जगह है, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिसमें डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको सैनिटाइजर कितने दिए जा रहे हैं, मास्क है या नहीं है, ऐसी व्यवस्थाओं पर मीडिया में बिल्कुल बात नहीं हो रही है। उनको हिंदू मुसलमान करने के लिए या दिन रात चिल्लाने के लिए एक टॉपिक मिल गया है, वह है निजामुद्दीन मरकज। निजामुद्दीन मरकज पर सुबह से लेकर शाम तक तरह तरह की रिपोर्टिंग्स हो रही हैं और मुझे तो ऐसा लगता है निजी तौर पर कि कहीं ऐसा ना हो 2-3 दिन में कि निजामुद्दीन मरकज का करोना और पाकिस्तान से कोई संबंध मीडिया निकालकर सामने रख दे कि भाई ये करोना पूरी दुनिया में चीन से नहीं बल्कि निजामुद्दीन मरकज से फैला है। इसको फैलाया गया, आईएसआई की मदद ली गई है इसमें, तालिबान और दुनिया भर के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल है। वो सारे के सारे लोग निजामुद्दीन मरकज में ठहरे थे और उन्होंने यहां से पूरी दुनिया में सप्लाई किया है कोरोना वायरस को। ऐसा हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस कोई कोरोना वायरस ना होकर कोई राक्षसी का रूप है जिसको हमारे विष्णु के अवतार श्री मोदी जी ने खत्म कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम फिर एक वीडियो संदेश दिया है जिसमें कहा है कि लोग 5 अप्रैल को रात को 9:09 तक अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दें और ऑफ करने के बाद में कोई दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, टॉर्च जलाएं या कोई लालटेन जलाएं। ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई तांत्रिकी आइडिया हो कि अगर 9 मिनट तक बत्ती बंद रहेगी तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। यानी अब तक लगातार लाइट जल रही थी, इस वजह से कृपा कहीं रुकी हुई थी, वो 9 मिनट तक हम इस लाइट्स को बंद रखेंगे तो कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। पहले भी एक बार थाली और ताली बजाकर देश के मानसिक स्तर का पता लगाया जा चुका है और एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि देश में लोगों के अंदर भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है। खैर चलिए देखते हैं, हमारा जो मेन मकसद है इस वक्त महामारी से निपटने का मकसद है और हमारी सभी लोगों से दरख्वास्त, वो सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं, और ये कामना करते हुए आपसे कि आप सभी सलामत रहें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।